दोस्तों फाइनली हमारी गेम ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर कब रिटर्न आएंगे इसके बारे में बात कही है। दोस्तों सच में बता देता हूँ, हमारे गेम ट्रिपल एच ने काफी खड़े शब्दों में आंसर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि हमारे गेम ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर के वापसी के बारे में क्या बात कही है। उससे पहले दोस्तों हम फाइव के सब्सक्राइबर के लगभग करीबी है। आई थिंक दोस्तों मुझे लगता है कि चैनल के ऊपर फाइव के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए लगभग 110 ही सब्सक्राइबर कम पड़ रहे, तो सब्सक्राइब सारे के सारे लोग मिलकर जरूर कर। भाई वीडियो में आगमन से पहले आपको सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि आज चैनल के ऊपर अपडेट वीडियो नहीं आ पाएगी, क्योंकि दोस्तों कॉलेज का थोड़ा राइटिंग काम पेंडिंग है, इसलिए दोस्तों उसे करते करते मुझे रात भी निकल सकती है। भाई आपको तो पता है कि आपका ऑल भाई कौन से भी कंडीशन में हो पर वीडियो डाल के ही रहेगा। तो जैसे कि दोस्तों आज ट्रिपल एच को एक इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि हमारे बीस्ट नकाने ब्रॉक लेसनर WWE के रिटर्न के कितने करीब है। इसके बाद दोस्तों हमारे गेम ट्रिपल एच इसका आंसर देते है कि आप खुद ही जाकर ब्रॉक लेसनर से पूछो कि ब्रॉक लेसनर कहां पर है। ब्रॉक लेसनर खुद के मन से जीने वाला आदमी है। ब्रॉक लेसनर एक ऐसा आदमी है जो कि खुद का काम खुद ही करना पसंद करता है और अभी ब्रॉक लेसनर कनाडा में है और ब्रॉक लेसनर कनाडा में अपने बच्चों को हॉकी खेलते हुए देख रहा है और ब्रॉक लेसनर अपने जीवन का काफी आनंद उठा रहा है। फिर आगे जाकर ट्रिपल एच कहते हैं कि अगर ब्रॉक लेसनर को WWE में रिटर्न आना है तो मैं उसके साथ पर्सनली बात करूंगा। भाई आप इसी बात को नोट डाउन करो कि हमारे गेम ट्रिपल एच हमारे ब्रॉक लेसनर का नाम ले रहे हैं। ब्रॉक लेसनर अभी सेफ है, WWE में है। भाई आपको एक बात समझनी चाहिए कि हमारे ब्रॉक लेसनर घर में अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रेसलर के लाइफ में बच्चे बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना काफी कमी होता है। अभी ब्रॉक लेसनर के पास अपने फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका है, तो ऑब्वियसली दोस्तों हमारे ब्रॉक लेसनर मौके के ऊपर चौका मारेंगे ही ना। चलिए दोस्तों ये बात जरा बाजू में रखते हैं, बात कर लेते हैं हमारे ब्रॉक लेसनर रिटर्न आने के बाद कौन से ब्रांड में होंगे। क्या दोस्तों सच में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आने के बाद रॉ में जाएंगे, स्मैकडाउन में जाएंगे या फिर एनएक्सटी में जाएंगे। इसका जवाब देने जाए तो हमारे ब्रॉक लेसनर अभी दोस्तों WWE के फ्री एजेंट है, वो कौन से भी ब्रांड में जा सकते हैं। भाई मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आने के बाद रॉ में जाएंगे क्योंकि रॉ में काफी खतरनाक ब्रॉक लेसनर के दर्जे के अपोनेंट है। क्या भाई आपको क्या लगता है कि हमारे बिस्ट नकानेट ब्रॉक लेसनर लाइफ टाइम तक अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे या फिर हमारा भी थोड़ा विचार कर WWE में आएंगे। ये बात दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पर मेन में क्या बोलता हूँ, होता अलविदा, मिलते कल विदा।